हेलो भाई जी, मेन माइक की थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। हेलो 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 हेलो, ऐसे थोड़ी कैचिंग दूर की बना दीजिए। हेलो हेलो हेलो, ऐसे। बहुत धन्यवाद। भैया जी, कि दुनिया आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। एक गीत बहुत पहले बजा भैया जी, प्रयास करी हूँ आपको गीत अच्छा लगेगा, तब जो सुनेगा। अरुणिया कल्पना जी गीत सुनेगा, विश्वास है आप हमसे गाएंगे अच्छा। डर जाइए, कभी सात फेरों के बाद भी प्यार नहीं होता। ऐसा जादू किया तूने, ऐसा जादू किया तूने, और सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। उसको तो उसके कर्म मार देते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। क्योंकि सच मानिए, कलाकारों को अपने जीवन में दो ही चीजें मिलती हैं। कल्पना जी, हम कलाकारों को अपने जीवन में दो ही चीज मिलती हैं, अगर कार्यक्रम अच्छा दे गया तो सुनने वालों की, और हल्का से डगमगा गया तो सुनने वालों की तालियां। भैया, लेकिन ये वो जगह है यहाँ पर तालियां ना भी मिले लेकिन प्रेम स्नेह आपको वही मिलेगा जो हमको मिल रहा है आज 6-7 सालों से। कल्पना जी, ये तो तर जाए है जिससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ताली बजाने वाले तो अलग बैठे हैं, देखो कितने सुस्त हैं बेचारे। भैया ये नहीं,
क्यों ये तो दर्ज है जिससे कोई लेना देना नहीं है। आइए मर्ज को सुनिएगा, बिल्कुल साधारण सी बात दे रही है। कारण है हम लोगों ने दशहरा का भी दिन मनाया है और ये कार्यक्रम दशहरे के उपलक्ष में ही होता है। शायद ऐसा कार्यक्रम कहीं और होता हो इस रायबरेली में, जो हमारा ये मंच है ऐसा दूसरा मंच नहीं मिलेगा। यथार्थ सत्य है। आइए पहली बात दे रही हूँ, आदरणीय कल्पना जी प्रयास सुनिएगा और ये आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार भैया श्री राजकुमार भैया लखनगांव आपकी ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। कोटि कोटि धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। गीत सुनेगा भैया। अरे गोरी वसी बहुत सुंदर भैया जी सुनिएगा, क्योंकि कीर्तन में शब्दों का ही आनंद होता है और ढोलक का भी। बिल्कुल सुनेगा। अरे वो उर्वशी उर्वशी और वो उर्वशी 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 ये बात। अरे वो उर्वशी अरबी की प्यारी है, लेकिन खास बात देखिएगा क्या मिल रही भैया जी। पुरुरवा से शादी की प्यारी है, शादी की प्यारी है, शादी की वो उर्वशी अरब की प्यारी है, लेकिन पुरुरवा से जब शादी की न्यारी है तो ऐसा जोड़ा जब मैंने देखा तो मेरी पत्नी कहती है भैया जी अरब भैया जी आज परदेसियों से कैसा है मिले। और यहाँ पर अरे देखो देसी है दूल्हा और वो विदेशी दूल्हा, एकदम और विदेशी बात हो रही है। क्योंकि जब पहले पूरा आर्यावर्त एक था लेकिन जब बंटवारा हो गया तो मुझको कहना पड़ा आज क्या अनोखी है कथा, क्या अनोखी है कथा, इनका कैसा बंधन। अरे बिल्कुल देसी है दूल्हा विदेशी ये पहली जोड़ी जो देसी है और विदेशी है। दूसरी जोड़ी देखिएगा, मैं प्रयास कर रही हूँ जन समुदाय एकत्रित है, निवेदन है सुनेगा भैया। ये काम्बो बहुत अलग है। जोड़ी क्या है अवध काल की, ये बात बेटा शाबाश शाबाश शाबाश। ये
गोपाल की। अरे बहू बनी दशरथ जी की, बहू बनी दशरथ जी की, समय शुभ शगुन है। बिल्कुल शुभ समय जब आया तभी धनुष टूटा वरमाल आया, और जब ऐसा देखा तो मुझको कहना पड़ा भैया जी कि देखो देसी है दूल्हा। आजकल वाले नहीं है जो 300 बुलाना रे। हाँ बस 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 ना, अब बिल्कुल देसी है दूल्हा, वो भी देसी दूल्हा। आजकल की दुल्हन नहीं है जो खुद की शादी में नाच रही है। हाँ और क्या, वो नहीं है, ये माता जानकी है। भैया क्या अनोखी है कथा, क्या अनोखी है कथा, इनका कैसा बंधन है। अरे बिल्कुल देसी है दूल्हा, वो ही देसी दूल्हा। और देखिए देसी विदेशी की बात आ रही है कैसे। अरे कांधारी देश का धारी की, यानी अफगानिस्तान की बात हो रही है। गांधार भैया जी, बिल्कुल देसी है दूल्हा, वो विदेशी दुल्हन। अगर मेरे स्वामी देख नहीं सकते हैं तो मैं भी नहीं देखूंगी, आंखों पर पट्टी बांध लेंगे। बिल्कुल देसी है दूल्हा, वो विदेशी दुल्हन। अंतिम बात देखिएगा भैया जी, और किसी पार्टी का कोई प्रचार प्रसार नहीं है, क्योंकि मेरी खुद एक छोटी सी पार्टी है, रिंकी तिवारी एंड पार्टी। चुनाव चीज ढोलक हारमोनियम जी का बिल्कुल निवेदन है, वोट हमें को दीजिए, धन्यवाद है। लेकिन जब बात आती है देसी और विदेशी तब सुनिएगा भैया जी, अंतिम बात दे रही हूँ। कांग्रेसी पार्टी के नींव की, अंतिम बात सुनेगा भैया जी, कांग्रेसी अरे पार्टी के नींव की, और सोनिया वो सोनिया अरे दुल्हन राजीव की, और यहाँ पर भी बिल्कुल देसी है दूल्हा, लंबी टोपी वाले और का, और वो भी देसी दूल्हा। बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन एक जोड़ा मिला है भैया जी, वो बिल्कुल एक विदेशी है दूल्हा, और हमारे
शोएब मलिक जी पाकिस्तान और बिल्कुल देसी दुल्हन। आप लोग जानते हैं कौन? सानिया मिर्जा के दुनिया जान मारेला। सब लोग चर्चित है, सब लोग जानते हैं, लेकिन बात वही वही आती है भैया जी। क्या अनोखी है कथा इनका कैसा बनता है, बिल्कुल देसी है दूल्हा वो भी देसी बढ़िया गीत आया है। आप कह रहे हैं देखो देसी है दूल्हा और विदेशी है दुल्हन, बिल्कुल 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 देसी है दूल्हा और देसी दुल्हन। हालांकि आपके गीत में देसी विदेशी लगा है, देसी विदेशी। आपने सानिया मिर्जा शोएब अली को भी लिया है। हालांकि आपका गीत जहां तक आया आपने कांग्रेस की सोनिया गांधी को भी लिया है। देसी दूल्हा है, विदेशी दुल्हन है। दीदी जी बहुत तरह से जवाब आते हैं, और क्या कहने को कह दे भैया जी, भैया जी, कि स्वर्ग धाम का दूल्हा और धरा धाम की दुल्हन। कैदे को कह सकते हैं कि लंबा है दूल्हा और छोटी है दुल्हन, कहीं छोटे हैं दूल्हा और लंबी है दुल्हन, कहीं बूढ़ा
बहुत जगह दे देती हैं जवाब। और क्या, कहीं फूल है दूल्हा तो काटा है दुल्हन। आपने हमसे कहा कि आपने जवाब काट दिया है, हम ये हरकत कर सकते हैं क्योंकि हम छोटे हैं। और क्या, हमारे लिए सब झूठ है आज। लेकिन आप वास्तविकता अपना बड़प्पन दिखा रही हैं, बहुत जगह जवाब के लिए छोड़ जा रही हैं। बिल्कुल बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले आपने कहा आप पिया यानी दूध पिलाया, तो मैंने पीने का खाने से जवाब दे दिया क्योंकि आप खाते पीते लोग हैं। पीते खाते नहीं है, खाते पीते लोग हैं। मतलब उधर से पीते आया था, इधर से खाते, तो पीते खाते हो गया। लेकिन नहीं, हम पलटे दे रहे हैं, खाते पीते लोग हैं। आइए सुनिए। एक ऋषि जिनका नाम है जरातकारु, अब तपस्या कर रहे हैं। जा रहे थे, रास्ते में देखा कि कुछ ऋषि एक तिनके को पकड़े लटक रहे हैं, कुएं में लटक रहे हैं। हाँ। और उस तिनके को भी छोटा सा बच्चा है, चूहा कतर रहा है। हाँ। अरे ये दशा क्या है, और तुम लोग कौन हो? कहो तुम्हें अपनी तपस्या के बल से तुम्हें ऊपर भेज सकता हूँ, स्वर्ग भेज सकता हूँ। उन ऋषियों ने कहा नहीं, तपस्या तो मेरी भी इतनी है कि हम अपने तपोबल से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये चूहा और ये तिनका और हम लटकते हुए ऋषि जानते हो कौन है? कौन है? बोले हमारा वंश पूरा खत्म होने को आया है, हमारे वंश में कोई नहीं बचा है, बस एक तिनके का सहारा यानी केवल एक रह गया है जिसका नाम है जरातकारु, और वो भी विवाह नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा, तो ये चूहा इसे भी कतर डालेगा, फिर हमें कोई पानी देने वाला नहीं होगा, तो हमें मोक्ष मिलेगा कैसे? जरातकारु ने कहा कि मैं वही हूँ। बोले वही हो तो विवाह क्यों नहीं कर लेते? और क्या, विवाह कर लीजिए, बारात हम भी चलेंगे। सुनिएगा जी, अब विवाह हो गए, उन्होंने एक शर्त रख दी, हम विवाह तभी करेंगे जब हमारे मन की दुल्हन मिलेगी। और मन की दुल्हन कैसी, जरा सुनिएगा। अरे जोड़ी मन को लुभाती है, अरे जोड़ी ये मन को लुभाती है कि जैसे दिया और बाती है। अब उनके उनके मन की दुल्हन कैसी मिली बहन जी, सुनेगा सुनिए। अरे जिनकी ख्याति नाम की फैली जान जल जल, जिस नाम का दूल्हा, जिस नाम का दूल्हा उसी नाम की दुल्हन। जरातकारु की पत्नी का नाम है जरातकारु, तो जिस नाम का दूल्हा उसी नाम की दुल्हन। सुनते रहिए, निवेदन है, अच्छा लगेगा। ऋषि का नाम है पुलोमा और उनकी पत्नी भी धर्म पत्नी कौन है? कौन है? मजबूरी एक और फंसा दी बहन जी ने, हमको कलयुग तक लाना पड़ेगा। और क्या? लेकिन लाएंगे, सुनेगा। अरे सुन ले जीवन कैसा थी जो बहन जी, और जैसे पुलोमा है, तो कहना पड़ा
बहन, अब कलयुग में कोई मुश्किल है आ जाए, अब कहीं अच्छा होता आपका कोई ब्रजेश नाम होता, क्योंकि आजकल महिलाओं का भी नाम ब्रजेश है भी है बेटा, तो हमारे पप्पू भैया का नाम भी ब्रजेश है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब कौन मिलना है कलयुग में सुनेगा, सुनो बेटा फिर एक नाम हम सुनाएंगे। अरे जोड़ी देखी पंजाबी है और जिनकी सोनिया 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 के ऊपर छल के अपना मन, अब कोई और नहीं नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी पत्नी का नाम नवजोत सिंह सिद्धू। धन्यवाद। जिस नाम का दूल्हा उसी नाम की दुल्हन। एक और है बेटा, एक और है, विनोद अनुरागी कीर्तनकार, विनोद अनुरागी और उनकी पत्नी का भी नाम विनोद है। जिस नाम का दूल्हा उसी नाम की रामचंद्र की छोटा सा प्रयास रहा है। आइए, थोड़ा समय का आदेश प्राप्त हुआ था तो मैं प्रयास करूंगी जल्दी में एक गीत और सुना दें आपको। ये आदरणीय पीएल गुप्ता जी, प्रवक्ता अंग्रेजी, जनता विद्यालय इंटर कॉलेज पूरे पांडे रायबरेली निवासी खागा फतेहपुर, आपके कर कमलों से 101 पद मुद्राएं हैं, नमन कर रही हूँ, धन्यवाद है। आइए गीत सुनेगा।